हम लोग यहाँ पे मछली धोदा करके लेके गया था। एरा देखिए आज का, देखिए पहाड़ का नजारा भी देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एरा देखिए बिना तेल बिना मसाला का खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है। आमीन। चलिए दोस्तों हम लोग प्रे कर लिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है भाषण फैमिली ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे है, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों सुबह 11 आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम बाजार से बच्चों लोगों को खिलाने के लिए चीतोल मछली लेके आए। ये रहा देखिए दो ठो। चलिए दोस्तों हम लोग बर्तन वर्तन भी ले लिया है। ये रहा देखिए सुनीता जी, हम लोग सुबह दोनों बाजार गया था, ये सब खाना उना खा के बच्चों लोगों को भेज दिया है स्कूल। हम लोग ये सब बर्तन वर्तन धोया नहीं है, अभी धोधा करके लेके आता है और मछली काट उठ के रेडी करके लेके आता है हम लोग का झरना पे जाके। लेके जाइए चलिए, धोधा करके रेडी कर लेता है और बर्तन वर्तन धोधा करके ले जाता है। कटिए अच्छा मछली मिला है दोस्तों बाजार जाके। रहा देखिए सिर्फ एक ही दुकान पे मछली मिला है हम लोग का। यहाँ पे दोस्तों ये चीतोल मछली मिलना थोड़ा मुश्किल है, इतना बेचता नहीं है। आज हम चीतोल मछली मिला है। रहा देखिए चलिए हम लोग काट उठ के रेडी करके लेके जाता है इसको सील दीजिए। और दोस्तों हम लोग का झरना का नज़ारा देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरफ भी देखिए ये पहाड़ से आने वाला झरना, हम लोग यहाँ पे नहाता है, ये सब बर्तन वर्तन धोता है। इसका जो छिलका होता है ना छोटा छोटा होता है। रहा देखिए छोटा छोटा है ना, हम लोग का यहाँ पे नहीं मिलता है जो मछली लेके हम लोग, ऐसा हम लोग का यहाँ पे सब झरना का मछली मिलता है, पहाड़ी मछली। चलिए अच्छा तरह से मिक्स कर लेता है गोल्डी का मिक्स कर। और इधर देखिए हम लोग का तेल गर्म हो रहा है, मछली भी हम लोग धोधा करके लेके आया, बारिश भी जोर से आना शुरू कर दिया है। ए रहा देखिए बाहर का तरफ, देखिए जोर से बारिश गिर रहा है। ए रहा देखिए हम लोग यहाँ पे मछली धोधा करके लेके गया था, पानी छोटा था, अभी देखिए पानी इतना बड़ा हो गया। पहाड़ पे बारिश गिरने से पानी बड़ा होता है। रहा देखिए मछली भी धोधा करके लेके गया, पानी भी बड़ा हो गया है। रहा देखिए दोस्तों जाने वाला काल पे हम लोग वीडियो बना नहीं पाया बारिश की वजह से, आज और वीडियो कंटिन्यू किया है। चलिए दोस्तों हम लोग जाके अभी काम कर लेता है। हम लोग उधर से चापाल खुल के आया, सब कादो हो गया काल दोस्तों, इसी जगह पे पूरा पानी हो गया था। सब चार घंटा का जैसे बारिश गिरा, चार घंटा बारिश गिरने के बाद में अच्छा हो गया था बारिश, हम लोग वीडियो बना नहीं पाया। चलो दोस्तों हम लोग बागान पे जाके थोड़ा टाइम काम कर लेता है। और दोस्तों आज का मौसम देखिए कैसे है। ए रहा देखिए आज का मौसम देखिए, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बादल दे रहा है, लगता है आज भी बारिश आने वाला है। ए रहा देखिए पहाड़, ए रहा देखिए झरना का पानी भी भरा हो गया था। हम लोग का घर का जो सामने जो एक झरना है ना, उधर का पानी भी भरा हो गया था। और इधर एक नदी है, नदी का पानी बहुत भरा हो गया था। ऐसा पहाड़ पे बारिश गिरने से पानी भरा होता है। हम लोग सोचा था मछली का साथ हम लोग ऐसा, हम लोग का यहाँ पे एक ट्रेडिशनल सब्जी है, सब्जी का साथ पका के खाएगा, लेकिन कल हम लोग ऐसा सब्जी लेने के लिए आ नहीं पाया था। आज लेके जाएगा काम वम करके, साफ करके साफ करके जाइए, कादो हो गया ना, रोज बारिश गिरता है। आ जाइए साफ कर दीजिए। यह सुपारी का पौधा है, देखिए देखिए काटिए। रहा देखिए छोटा छोटा सुपारी का पौधा है, अच्छा तरह से नहीं देखने से सब काट जाएगा। रहा देखिए सुपारी का पौधा,
चलिए दोस्तों, हम लोग बागान का काम कर लिया है। हम लोग यहाँ से अरबी का लोटा ले लेता है। रहा देखिए, अरबी उधर से सेलिना जी ले रहा है, हम इधर से चुन चुन के ले लेता है। रहा देखिए, चुनना नहीं पड़ता है, बहुत सारे मिल जाता है। रहा देखिए, लंबा लंबा मछली का साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, हम लोग का ट्रेडिशनल सब्जी उधर है, उधर से भी हम लोग सब्जी ले लेगा, एक साथ मिक्स करके मछली के साथ पकाने वाला हूँ। इधर आइए जी, पकड़िए। एरा देखिए, लंबा लंबा अरबी लोता, ये जंगली अरबी लोता हम लोग हर समय पे खाता है। इसका छोटा मछली के साथ खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। आज हम लोग इलिश मछली के साथ पकाने वाला हूँ। रहा देखिए, अंदर पे बहुत सारे है, बहुत सारे है। हम लोग नदी पे धोदा करके ले जाएगा। ये रहा देखिए, मिट्टी है, हाँ पकड़िए, ज्यादा अंदर पे मत आइए, जुग होगा इधर, इधर जुग भी होगा, ये सब ठंडे जगह पे जुग होता है। उधर जाइए, रहा देखिए, एक चूल होता है, इतना लंबा है, हाँ पकड़िए, ये मोटा मोटा है, मोटा मोटा निकला, मोटा मोटा, ये खाने में अच्छा होता है। हो जाएगा, चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग अरबी लोता ले लिया है, हाँ पकड़िए, हाँ चलिए, चप्पल इधर रख दिया था ना, उधर है, चलिए चप्पल ले लेता है। हम लोग बागान का भी काम कर लिया है और सब्जी भी ले लिया है। एरा देखिए, एरा देखिए, पहाड़ी अरबी लोता खाने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है मछली के साथ। आ लीजिए, कल दोस्तों बारिश आके इधर पे पूरा पानी भरा हो गया था। ये रहा देखिए, एक घास पूरा डूब चुका था, लगभग 4 घंटा का जैसे बारिश है यार। ये रहा देखिए, सफेद सफेद दो क्वालिटी का है, एक लाल है और एक सफेद है। ऐसा सफेद भी अच्छा है, लाल भी अच्छा होता है खाने में। खा लीजिए, रहा देखिए, और बादल फट रहा है, लगता है आज भी बारिश आने वाला है। ये सब सुबह का समय पे दोस्तों, ऐसा ज़्यादा धूप देने से शाम का समय पे बारिश आता है। खा लीजिए, चलिए हम लोग सब्जी ले लेता है, हाँ पकड़िए जी, उधर से लीजिए, उधर है ना, अच्छा अच्छा है, लीजिए। ए रहा देखिए, हम लोग का सब्जी बागान, एक गालडा बागान, हम लोग का यहाँ का ट्रेडिशनल सब्जी, ये सब मछली का साथ खाने में बहुत ही अच्छा होता है। आज आप लोग को पहले बार नहीं बता रहा हूँ, हर समय पे बताता है आप लोगों को, और हम लोग हर समय पे खाता है। और इसका फूल निकलेगा, और एक महीना लगभग, एक महीना का बाद में निकलेगा ना, एक महीना दो महीना का बाद में फूल निकलेगा। ये फूल भी दोस्तों हम लोग ड्राई करके रखता है साल भर खाने के लिए, अभी फूल निकला नहीं है। ये रहा देखिए, फूल का जैसा अभी आ रहा है, एक महीना का बाद में मिल जाएगा शायद इसका फूल। साल भर खाने के लिए हम लोग पूरा ड्राई करके रखता है, चिकन का साथ खाने में बहुत ही अच्छा होता है इसे ड्राई करके रखने से। हाँ पकड़िए, चलिए हम लोग अरबी लोता धोधा करके लेके जाता है। ये नदी का पानी दोस्तों कल बड़ा हो गया था, ऐसा बड़ा होने की वजह से हम लोग सब्जी लेने के लिए जा नहीं पाया। ए रहा देखिए, ये पानी जो है ना, पानी बड़ा होता है, ऐसा पहाड़ पे बारिश गिरने से पानी बड़ा होता है। ए रहा देखिए, आज का देखिए पहाड़ का नज़ारा भी देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ए रहा देखिए, धूप दे रहा है इस तरफ, और इस तरफ थोड़ा थोड़ा करके बादल देने लग गया है। ए रहा देखिए, लगता है आज भी बारिश आने वाला है। धोइए, छपा हो गया ना। ए रहा देखिए, चिकचिका हो गया, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
धोए ना, पूरा चिकचिका हो गया ना, हम वहाँ धोए। इतना तक था नदी, इतना तक था, इतना बड़ा हो गया। चलिए मुँह धो लेता है। हेलो, काम भी कर लिया है और सब्जी भी ले लिया है। ये रहा देखिए अरबी लोता, काट उठ के रेडी कर लिया है। चलिए अभी धो लेता है। और इधर देखिए मछली, हम लोग मछली फ्राई करके रख दिया था, आधा हम लोग रख दिया है काल खाने के लिए, आधा आज पकाने वाला हूँ। और इधर देखिए हम लोग का चूल्हा भी जल चुका है, आज हम लोग पकाने वाला हूँ अरबी लोता और इलिश मछली। ये रहा देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी शायद टेस्टी होगा। चलिए धो लेता है अच्छा तरह से। ये सब कादों से लेके आए बोल के अच्छा तरह से धोना पड़ता है। ये रहा देखिए, धोने के बाद में पूरा चिकचिका हो गया। और इधर देखिए हम लोग का ट्रेडिशनल सब्जी, तेल मसाला का जरूरत नहीं पड़ता है, खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए कढ़ाई पे बैठा देता है, पानी हल्का ऐसा दीजिए। चलिए मिर्ची भी धो लेता है, कितना चाटू दे देता है ना, चाटू पाटू। ए रहा देखिए सब्जी रेडी हो गया। चलिए दोस्तों अभी सब्जी दे देता है, रहा देखिए खट्टा सब्जी। तेल मसाला का जरूरत नहीं पड़ता है, खाने में अच्छा लगता है, हम लोग ऐसा करके खाता है, पूरा गांव का स्टाइल फिश करी रेसिपी। मिर्ची दीजिए। चलिए अभी मिर्ची दे देता है, रहा देखिए नमक। रहा देखिए मिर्ची, नमक और पानी, इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं चाहिए, खाने में अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्या जी। चलिए दोस्तों सब्जी उबाल चुका है, हल्का सा ऐसा हिला देता है, ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए। ये रहा देखिए बिना तेल बिना मसाला का फिश करी रेसिपी, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अभी मछली दे देता है। ये रहा देखिए, ज्यादा हिलाने से ऐसा गला पकड़ सकता है, हम लोग ज्यादा हिलाया नहीं है। रहा देखिए खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है। आज हम लोग इलिश मछली का साथ पका रहा हूँ। इलिश मछली दोस्तों हम लोग खाया नहीं है, आज पहले बार आज इलिश मछली बच्चों लोगों को खिलाने वाला हूँ। ये रहा देखिए, चलिए अभी पानी दे देता है, ज्यादा पानी देना नहीं चाहिए, हल्का सा पानी देने से हो जाता है। रहा देखिए बिना तेल बिना मसाला का फिश करी रेसिपी, पहाड़ी स्टाइल फिश करी रेसिपी, हम लोग दोस्तों ऐसा करके खाता है, हम लोग इतना तेल मसाला नहीं खाता है। ए रहा देखिए मस्त हम लोग का फिश करी रेसिपी बन रहा है। चलिए और ढक्कन लगा के रख देता है, हम लोग का सब्जी बन के रेडी हो जाएगा, फिश करी बन के रेडी हो जाएगा। हम लोग ऐसा करके पका के खाता है, हम लोग जंगली सब्जी चुन चुन के लेके आके हम लोग बिना तेल बिना मसाला से पका के हर समय पे खाता है। मुर्गी को खाना नहीं देने से हम लोग भात खा नहीं पाएगा, हम लोग प्रे करने का समय पे ऐसा मुर्गी आके खा देगा। सब खाना खाने का पहले सब भात देने से सब मुर्गी और खाने के लिए नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों मुर्गी को खाना दे दिया है, हम लोग अभी खा लेता है। ए रहा देखिए सेलिना जी रेडी कर रहा है, चलिए हाथ धो लेता है। बच्चों लोग दोस्तों नहाने के लिए गया है, हम लोग अभी खा लेता है। ए रहा देखिए कलर भी देखिए मस्त है, बिना तेल बिना मसाला से पकाया, हम लोग का यहाँ का ट्रेडिशनल सब्जी। तो हम लोग अभी थोड़ा टाइम प्रे कर लेता है, और आ रहा है उधर भात दे दिया है, और आ रहा है मुर्गी आके बंद करें। आमेन। चलिए दोस्तों हम लोग प्रे कर लिया है, खा लेता है। रहा देखिए हाथ धो लिया है भाई,
हम लोग का ट्राइबल स्टाइल रेसिपी। मस्त हो गया दोस्तों, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना खाने में, अच्छा लग रहा है। चलिए खा लेता है, अभी बच्चों लोग आके खा लेगा, बच्चों लोग नहाने के लिए गए हैं। ये रहा देखिए मछली, हम लोग थोड़ा मछली और रख दिया है कल खाने के लिए। हम लोग दोस्तों पहली बार खाया आज इलिश मछली। ये रहा देखिए खा रहा हूँ, हम लोग का यहाँ पे मिलता नहीं है इतना। दोस्तों हम लोग खाना खा लिया है, आज का वीडियो यहीं पे रखता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगने से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया होने से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे।